सामने आ चुका है। राजनेताओं की शह पर अपराधी बना विधायक भगवती सागर पर आरोप लगाए, विधायक अभिजीत सांगा पर मदद का आरोप भी लगा दिया। मर्डर केस में करते थे विधायक मदद, कहीं ना कहीं यह आरोप लगा है और इसी वजह से अब अभिजीत सांगा मदद का जो आरोप उन पर लगा उसको खारिज करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। विधायक भगवती सागर पर भी आरोप लगे हैं और इसी के साथ देखिए अब विकास दुबे को पकड़ने के लिए वो बयानों को भी जोड़ा जा रहा है, किन किन के संपर्क में वो रहा, किन का उसने नाम लिया, उनसे भी पूछताछ अब आगे होगी। और 2017 में एसटीएफ ने दुबे को गिरफ्तार किया गया था। और देखिए इस पूरे मामले में जिस विधायक यानी कि अभिजीत सांगा जी का नाम लिया गया वो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अभिजीत सांगा जी, आप पर आरोप विकास दुबे के, वो वीडियो भी हमने दिखाया जिस पर आपका वो नाम लेता नजर आ रहा है, आप उसकी मदद करते थे, क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए जैसा कि न्यूज चैनल के माध्यम से मैंने उस वीडियो को देखा है जिसपे वो अपना बयान दे रहा है, निश्चित रूप से उसने हमारा भी नाम लिया है, भगवती प्रसाद सागर का भी लिया, अन्य नेताओं का भी नाम लिया। मैं एक बात जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2017 में जब उसने एसटीएफ के सामने ये बयान दिया, जब वो गिरफ्तार किया गया तो निश्चित रूप से इस बयान की जांच भी हुई होगी, उस घटनाक्रम की जांच भी हुई होगी और अगर उस जांच में हम लोग दोषी होते तो निश्चित रूप से अब तक कोई कार्रवाई भी की गई होती। ये आज पहली बार आज हम सुबह इस वीडियो को देख पा और देखने के बाद मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये देखिए एक शातिर अपराधी, इसका इतिहास जानिए, ये जब जिसकी सरकार रही है इसने उस सरकार का चोला पहनने का प्रयास किया, जब एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया होगा तो ये अपने बचत के लिए इस तरह का प्रभाव दबाव दिखाने का इसने प्रयास किया होगा कि मुझको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। लेकिन मैं एक आपके जो चैनल के माध्यम से दावा करना चाहता हूं कि कोई भी प्रमाण मेरे उसकी मित्रता का संलिप्तता का आप लोग दिखाइए, जहां हम उसका सहयोग करते पाए जाए दिखाए जाए तो निश्चित रूप से मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा। बिल्कुल अभिजीत, देखिए आप कह रहे हैं कि ये जो आरोप है निराधार है, लेकिन ऐसा फिर क्या कनेक्शन कि वो आपका ही नाम ले रहा है, क्यों फिर वो आपका नाम लेगा? क्या कभी आपकी उससे 1-to-1 ऐसी हुई, कभी कोई मुलाकात हुई, कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से वो ऐसा नाम ले रहा हो? कोई तो वजह होगी ना, ऐसे क्यों किसी का भी नाम ले सकता है कोई? मैं आपको बता रहा हूँ वजह क्या है। विधानसभा जो बिकरू विधानसभा है और जो उसकी बिकरू जो गांव है वो बिल्लौर विधानसभा में आता है, हमारी विधानसभा भी है, लेकिन अनेकों ऐसे प्रकरण हुए हैं जहां पर फरियादी मेरे पास आया है विकास दुबे से ने जिसके साथ अन्याय अत्याचार किया है, वहां पर लोग मदद मांगने मेरे पास आए हैं और मैंने उसमें मदद भी की है। अभी 2017 में जब इसने अपने भाई अनुराग दुबे पर जानलेवा हमला कराया तो सबसे पहले अगर कोई नेता रिजेंसी हॉस्पिटल में उसको देखने पहुंचा था तो मैं पहुंचा था, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी FIR करवाने में मदद की, मैंने उसकी जांच में सहयोग करने का काम किया, मैंने अनुराग दुबे को हर संभव मदद का भरोसा देने का प्रयास किया। उसके बाद भी क्षेत्र में कहीं पर भी अगर इनके गुर्गों के द्वारा या इनके द्वारा कहीं पर भी कोई अनैतिक कार्य किया गया तो मैंने उसमें मदद करने का काम किया। अनेकों ऐसे उदाहरण है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर। जी जी बिल्कुल, देखिए अभिजीत सांगा जी, आप कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है ना आरोपों से, हम साक्ष्य आपके सामने रखे, लेकिन देखिए जिस विधानसभा से आप विधायक है बिठूर से, कहा जाता है वहां पर जितने भी लोग हैं चुनाव जीतते हैं वो विकास दुबे की मदद लेते हैं, कई लोगों की उसने मदद की है और आप पर भी आरोप कि आपकी भी उसने बढ़ चढ़कर मदद की है, तो ये आरोप जो आप पर लग रहे हैं क्यों लग रहे हैं? मित्र में मेरी विधानसभा क्षेत्र में विकास दुबे या किसी अपराधी का कोई प्रभाव दबाव नहीं है, मेरे क्षेत्र में जनता की चलती है और गरीबों की मदद के लिए अभिजीत सिंह सांगा सदैव खड़े रहते हैं और ऐसे अपराधियों की मदद की मुझको कोई आवश्यकता नहीं है चुनाव जीतने के लिए। मेरे इतिहास को आप जान लीजिए, मेरे बारे में पता कर लीजिए, मैंने हमेशा गरीबों के लिए उनके ऊपर अत्याचार होता रहा है, जिनके साथ अन्याय होता रहा है, उनकी आवाज को उठाने का काम जी। लेकिन देखिए अभिजीत सांगा जी, जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं सुबह से, उस वीडियो में साफ साफ आपका नाम है कि हत्या के केस में आपने उसकी मदद की, हत्या के मामले में आपने उसकी मदद की है, अगर आप चाहे तो वीडियो में आपको सुना सकते हैं, फिर वो क्यों नाम ले रहा है? मैं सुन चुका हूँ। मैं सुन चुका हूँ। क्या वजह आपका नाम? एक तरफ 2017 के उस वीडियो की आप बात कर रही है जो एक साथी अपराधी ने बयान दिया है और एक तरफ एक जनप्रतिनिधि जनता का सेवक आपको अपना बयान दे रहा है, ये आपको विचार करना है कि कौन सच बोल रहा है।
बिल्कुल। देखिए लेकिन अभिजीत सांगा जी, एक चीज फिर और ये भी सवाल खड़े होते हैं ना कि देखिए आप 3 साल से विधायक की कुर्सी पर हैं और उसके बाद आपके ही नाक के नीचे आपके ही क्षेत्र में के इतना बड़ा कुख्यात हिस्ट्री शीट और अपराधी हत्यारा पनपता रहता और आपको पता तक नहीं चलता है, कोई इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती, क्यों वो खुलेआम घूम रहा है? मेरी विधानसभा मेरी क्षेत्र में कोई अपराधी पनप नहीं पाया है और मैंने जो भी इस तरह के अपराधी रहे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कराई है, वो मेरे क्षेत्र का नहीं है। उसके बावजूद भी जब भी मेरे पास कोई याचक आया है, कोई फरियादी आया है जिसके साथ इसने अन्याय अत्याचार किया है, मैं उन लोगों को आपके समक्ष ला सकता हूँ जिनकी मैंने मदद की है। विकास दुबे के खिलाफ जब कोई नामांकन करने वाला नहीं था उस दौर में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मैंने वहां पर प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़ा करने का काम किया जी। देखिए अभिजीत सांगा जी, एक चीज और फिर सवाल इस पर भी खड़े हो जाते हैं, जब सरकार आई 3 साल पूरे हो चुके हैं, 3 साल में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने की बात कही गई थी, अगर वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई तो अपराधी कैसे 3 साल से फलता फूलता रहा राजनीतिक शरण में? क्यों इस पर ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? क्यों इंतजार कर रहे थे क्या हम कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे, इससे पहले भी ऐसे कर चुका है बल्कि? दो हजार 17 में सबसे कानपुर क्षेत्र में अगर किसी अपराधी को पकड़ा गया तो विकास दुबे को 2017 में गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया। 2 साल वो जेल में रहा। इस समय न्याय प्रणाली न्याय प्रक्रिया में कहा उसको क्या लाभ मिला, किस तरह वो जमानत पाया, वो जमानत पाने के बाद इस समय वो अपने गाँव में रह रहा। आज ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हमारी सरकार कितनी वचनबद्ध है और लगातार जो भी पुलिस कर्मचारी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, कितने सस्पेंड किए जा चुके हैं, कितनों की बर्खास्तगी की तैयारी है और आने वाले समय में भी इस घटना में जो लोग जिम्मेदार होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। देखिए लेकिन अभिजीत सांगा जी, एक चीज ये भी कही जा रही है कि जो आपके सहयोगी रहे हैं, जो आपके साथी रहे हैं, वो विकास दुबे के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं, इसका क्या फिर मतलब है, इतनी नजदीकी क्यों आ जाती है बीच में? ये आपके आपके पास ये किसने प्रमाण दे दिया कि जो फोटो है वो मेरे सहयोगी? वो हम आपको फोटो दिखा देंगे। नहीं वो फोटो दिखाइए, लेकिन ये उस पे जी, बिल्कुल, आपको फोटो भी मिल जाएगी। सहयोगी बिल्कुल नहीं, आपको फोटो, ये आप मुझे प्रमाण के साथ में, प्रमाण के साथ में आप मुझे बताइए दिखाइए, मैं जहाँ पे गलत हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करूंगा, लेकिन आपसे भी मेरी विनती है आप सच्चाई को जान करके कोई बयान और कोई आरोप लगाने का काम करिए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए अभिजीत सांगा जी, एक चीज मैं आपसे ये भी पूछ लेती हूँ फिर, जब विकास दुबे सामने आता है उसका वो 2017 का वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं, उसमें आपका नाम साफ तौर पर वो लेता है, मदद की बात आपके लिए आपके थ्रू कहता है, अगर हम आपको फोटो दिखा देंगे, अगर वो हम आपको फोटो दिखा दें तो आप क्या उसको मान लेंगे? क्योंकि आप इस बात को तो नकार रहे हैं कि वो अगर आपका नाम ले रहा है तो उस तरह से गलत है, आपका उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हम राजनीतिक व्यक्ति है, अपराधियों से लोहा लेने का काम क्षेत्र में हम लोग करते हैं, पुलिस से गरीबों को न्याय दिलाने का काम हम लोग करते हैं, किसी शादी समारोह किसी कार्यक्रम में अगर कोई अपराधी आता है तो उसको देख करके हम मुंह चुरा करके वहां से भाग नहीं सकते हैं, हम जनता के साथ खड़े रह करके ऐसे लोगों का सामना करते हैं। कहूं कि ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आप लोग भी रॉबिन हुड बनाने का काम कर रहे हैं जी। लेकिन देखिए हम लोग कोई रॉबिन हुड नहीं बना रहे किसी को, लेकिन अभिजीत सांगा जी देखिए, अगर आप बात कह रहे हैं कि हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं नियमों का, उस कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, तो कैसे फिर हमारे 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए? क्यों उनके सीने को छलनी कर दिया गया? क्यों उनके सीने में बंदूक उतार दी गई? आप लोहा लेने की बात करते हैं और उसके साथ साथ वो लोहा किस पर भारी पड़ता है? पुलिस के जवानों पर, उनके सीने को छलनी कर जाता है। जो आठ पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उन पुलिसकर्मियों में 3 पुलिसकर्मी मेरे थाने के हैं, चौकी इंचार्ज के चौबंदा चौकी जहाँ अनूप सिंह मेरे थाने क्षेत्र के हैं, हमारे बिठूर एसओ कौशलेंद्र सिंह घायल हुए हैं, हमारे 2 सिपाहियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, मुझ जितना आहत आप है जितना दर्द आपको है उससे ज्यादा दर्द मुझको है, और जिस समय घटना हुई रिजेंसी अस्पताल पहुंच करके सबसे पहले मैं वहां पर पहुंचा हूँ, और मैं खुद आपके सामने मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे अपराधी को सजा दिलाना हमारी प्राथमिकता में है, कठोर से कठोर कार्रवाई, उसका उसका हश्र भी इसी तरीके का हो, ये मैं आज के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी। अभिजीत सांगा जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, हमारे जवानों की शहादत, वो कुख्यात हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास दुबे कब तक आप पकड़ लेंगे? कब तक हम इन बातों को सही समझ के चले? 3 दिन बीत चुके हैं, कोई पता नहीं चल पाया उसका कहां छिपा है, किसकी शय पर वो अभी तक आगे बढ़ता चला गया, फिर कब तक आप उसे पकड़कर हमारे सामने खड़ा कर देंगे?
देखिए उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, ये धोखे से की गई कायराना हरकत है। इस हरकत के लिए हम लोग शर्मिंदा हैं, लेकिन आज एसटीएफ और पूरा उत्तर प्रदेश सरकार, पूरा पुलिस महकमा, अन्य प्रदेशों की भी पुलिस आज उसको ढूंढने में लगी हुई है। जैसे ही वो पकड़ में आएगा, उसके हश्र की आप असलियत जानने का काम करेंगे, उसका क्या हश्र। चले अभिषेक, अभिजीत सांगा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप कठोर कार्रवाई करके इस बार उसे सलाखों के पीछे डालेंगे और उसे किसी भी सूरत हाल में बाहर नहीं आने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभिजीत सांगा जी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका नाम इस वीडियो में विकास दुबे ने लिया है, जो 2017 का वायरल हो रहा है एसटीएफ की पूछताछ के दौरान का। विकास का ये कबूलनामा कि किसकी शह पर वो आगे फला फूला है, कौन कौन उसके साथ रहे हैं, वो तमाम बातें अब खंगालने की कोशिश। और इसी के साथ ये दो नाम अभिजीत सांगा भी जिसमें से एक है, एक और विधायक जिनका नाम लिया गया है, तो इन नामों के पीछे आखिरकार रहस्य क्या है, क्या वजह है कि नामों को उसने हाईलाइट किया, इनका जिक्र किया, एसटीएफ की पूछताछ में भीगी बिल्ली बना हुआ नजर आया है हमें उस वीडियो में विकास दुबे। वही विकास दुबे की तलाश में लगातार जो दबिश है वो जारी है। पुलिस ने विकास